हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली करंट अफेयर। दोस्तों आज हम जानेंगे डेली करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 1 से 31 फरवरी यानी एक मंथ के पूरे करंट अफेयर के बारे में, फरवरी 2022 के करंट अफेयर के बारे में। ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में 40 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों पहली बार आर्द्रभूमि दिवस 1997 में मनाया गया था। 1971 में ईरान के रामसर में एक समझौता हुआ था जो 1971 में हुआ था, और उसी दिन से ये रामसर साइट्स भी भारत में जोड़ी जाने लगी। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरबन है और सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका है जो हिमाचल प्रदेश में है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें दोस्तों, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे रमी सलकर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों ऋतिक रोशन जो बहुत बड़े अभिनेता हैं उन्हें रमी सर्कल गेमिंग कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया स्टार्टअप राष्ट्र शहर कौन सा चुना गया है? तो दोस्तों दिल्ली को भारत का नया स्टार्टअप शहर चुना गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 5000 से ज़्यादा स्टार्टअप वर्तमान में यानी प्रेजेंट में दिल्ली में काम कर रहे हैं। वहीं अगर बेंगलुरु की बात की जाए यानी इससे पहले जो स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु था उसमें फिलहाल 4514 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए सदस्य बनाया गया, भारत की सदस्यता किस वर्ष तक रहेगी? तो दोस्तों भारत की सदस्यता 2025-26 तक रहेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2025-26 तक भारत की सदस्यता यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चाइना विंटर ओलंपिक में भाग नहीं लिया है? तो दोस्तों हमारा देश भारत ने चाइना विंटर ओलंपिक जो होने थे उसमें भाग नहीं लिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू टू द ईयर के लिए हाल ही में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। तो ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको जैसा कि पता है इन्होंने ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जिताया था, जो एकमात्र गोल्ड मेडल था अपना भाला फेंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों कुछ और नाम बदले गए हैं मध्य प्रदेश में आपको बता दें तो बाबई का नाम माखनगर किया गया है, वहीं टीकमगढ़ की शिवपुरी पंचायत का नाम कुंडेश्वर धाम किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप कितनी बार जीत चुका है? दोस्तों 5वीं बार भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें 2008, 2012, 2018 और 2022 में भारत ने यह विश्व कप जीता है। वर्तमान में भारत की जो कप्तान है वह यश धूल हैं। प्लेयर ऑफ द फाइनल जो राज बाबा को दिया गया है और भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप के बारे में आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अन्न प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय कहाँ पर शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। AFC वुमन एसोसिएशन का हाल ही में किसने जीता है? तो दोस्तों AFC वुमन एसोसिएशन कप हाल ही में चीन ने जीता है। तो इसका आंसर डी सही होगा, चीन ने यह कप हाल ही में जीता है। 2006 में भी चीन ने जीता था। दोस्तों AFC वुमन एसोसिएशन कप का जो स्थापना है वह 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम का नया डायरेक्टर चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उन्नी कृष्णन नायर को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम का नया डायरेक्टर चुना गया है। दोस्तों
इस सेंटर की स्थापना 21 नवंबर 1963 में की गई थी। हेडक्वार्टर जैसा कि आप जानते हैं तिरुवनंतपुरम में है और इसके नए डायरेक्टर तो उन्नी कृष्ण नायर बने हैं, लेकिन जो पहले डायरेक्टर थे वह HGS मूर्ति थे। तो इतना आपको याद रखना है सेंटर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन आहरथाली में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ये ऑपरेशन आहरथाली में लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नर्मदा जयंती महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों नर्मदा जयंती महोत्सव हाल ही में नर्मदापुरम में शुरू हुआ है, जिसका नाम पहले होशंगाबाद था लेकिन अब इसका नाम नर्मदापुरम किया गया है। दोस्तों हर साल नर्मदापुरम गौरव दिवस भी मनाया जाता है, सीएम के द्वारा यह घोषणा की गई है। हाल ही में निधन हुआ प्रवीण कुमार कौन थे? तो दोस्तों हाल ही में जो निधन हुआ है प्रवीण कुमार, ये एक्टर और एथलीट दोनों थे, तो ऑप्शन ए और बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जो महाभारत हमने देखी है उसमें इन्होंने जो भीम का रोल निभाया था वही प्रवीण कुमार है, जो एक्टर भी है और ये एथलीट भी रह चुके हैं। दोस्तों इन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है, वहीं ओलंपिक में भी ये अपना परफॉर्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हिजाब पर स्कूलों में बैन लगाया है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में हिजाब पर बैन लगाया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बात आई मध्य प्रदेश की, तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे एमपी की है, ब्रॉड मैप हो गया एमपी का। दोस्तों चलिए बात करते हैं इसके गठन की। 1 नवंबर 1956 में गठन हुआ था, राजधानी भोपाल है, राज्यपाल फग्गन भाई छगन भाई पटेल हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो भाजपा से, विधानसभा की 203, राज्यसभा की 11 है और लोकसभा की 29 सीटें हैं। पुरस्कार की बात करें तो कालिदास, शिखर सम्मान, तानसेन, लता मंगेशकर, शरद जोशी, कुमार गंधर्व, ये पुरस्कार दिए जाते हैं मध्य प्रदेश में। उद्यान की बात करें तो बांधवगढ़, कान्हा, केसली, माधव, पीच, सतपुड़ा, वन विहार, ये प्रमुख उद्यान हैं मध्य प्रदेश में। जलप्रपात में चचाई, पहुटी, धुआंधार, कपिलधारा, दूधधारा, ये जलप्रपात हैं। अगर बात करें बांध की तो मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध बरगी, राजघाट, बाणसागर, तवा, गांधी सागर और वारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम टॉम के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा जाम शहरों में भारत के मुंबई का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दुनिया के सबसे ज़्यादा जाम वाले शहरों में मुंबई का 5वां स्थान है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों टॉम टॉम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका यह 11वां संस्करण है। इसमें कुल 58 देशों को शामिल किया गया है। अगर इस लिस्ट में बात करें दिल्ली की, तो दोस्तों दिल्ली 11वें स्थान पर है और बेंगलुरु 10th स्थान पर है और अपना मुंबई 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। स्वच्छ अभियान हेतु 2017 में इन्हें भी स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, अब उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों बात आई है उत्तराखंड यानी यूके की, तो चलिए लोकेशन आप देख पा रहे होंगे यूके की। दोस्तों चलिए कुछ फैक्ट की बात करते हैं। तो स्थापना 9 नवंबर 2000 में की गई थी, राजधानी देहरादून है और गरसैन है। यहाँ के जो गवर्नर हैं गुरमीत सिंह हैं, पुष्कर सिंघानिया मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा की 3, लोकसभा की 5 सीटें हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा सन्स का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो दोस्तों टाटा सन्स का नया चेयरमैन चंद्रशेखरन को बनाया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इन्हें 5 साल के लिए यह चेयरमैनशिप दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राहुल बजाज का निधन हुआ, किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों 2001 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन ए 2000 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस सुरंग का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो दोस्तों अटल सुरंग का जो नाम है वह वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 10,000 फीट की से ऊपर की यह राजमार्ग सुरंग है। दोस्तों इसकी लेंथ है जो 9.2 किलोमीटर है, यानी 9.2 किलोमीटर लंबी यह अटल सुरंग है। सौर ऊर्जा में देश का सबसे अव्वल राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा में देश का सबसे अव्वल राज्य राजस्थान है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बात आई है राजस्थान की, तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे राजस्थान की। राजस्थान की स्थापना 31 मार्च 1949 में की गई थी, राजधानी जयपुर है, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। अगर बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यसभा की 10, लोकसभा की 25 सीटें हैं। दोस्तों बात करें पेड़ की, तो खेजड़ी यहाँ का राजकीय पेड़ है।
गोदावरी राजकीय पक्षी है। वहीं बात करें अगर नृत्य की तो घूमर नृत्य है, फूल रोहिड़ा है, और खेल की बात करें तो बास्केटबॉल राजस्थान का राजकीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन, ओशियन समिट का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस में वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधन किया गया है और इन्होंने जो वन ओशियन वन समिट का भी नारा दिया है। दोस्तों बात आई है फ्रांस की, तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे फ्रांस की है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन है, प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेस हैं, और यूरो यहाँ की मुद्रा है, फ्रेंक भी मुद्रा यहाँ चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रेडियो एंड ट्रस्ट 2022 में रेडियो दिवस की ये थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निधन हुआ बप्पी लहरी कौन थे? तो दोस्तों ये सिंगर कंपोजर म्यूजिक डायरेक्टर तीनों ही थे, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बप्पी लहरी एक बहुत बड़े सिंगर थे जिनका 69 साल की उम्र में निधन हुआ है। इन्हें डिस्को किंग के उपनाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है। यहाँ पर डिफेंस एक्सपो नाम का ऐप भी लॉन्च किया गया है और यह आयोजन किया गया है अहमदाबाद में। इससे पहले डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संत रविदास की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों 645वीं जयंती संत रविदास की मनाई गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है भारत की पहली वाटर टैक्सी की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो दोस्तों मुंबई में भारत की पहली वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाया है? तो ये देश है नेपाल। नेपाल ने भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाया है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बात आई है नेपाल की, तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। नेपाल का जो मोटो है जननी जन्मभूमिश्चर स्वर्गदापि गरीयसी है। यहाँ की राजधानी काठमांडू के अध्यक्ष यानी जो प्रेसिडेंट है वह विद्या देवी भंडारी हैं। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं और यहाँ की जो मुद्रा है वह नेपाली रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ ट्रेड पैक्ट साइन किया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत ने यूएई के साथ ट्रेड पैक्ट साइन किया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी भारत किस वर्ष करेगा? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी भारत 2023 में करेगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी भारत को दी गई है। 40 साल बाद यह मेजबानी करेगा। 1983 में इससे पहले भारत ने ओलंपिक समिति की मेजबानी की थी। इसका जो वेन्यू रखा गया है वह मुंबई को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी किस देश में अपना संस्थान खोलेगी? तो दोस्तों यूएई, यूएई में आईआईटी भारत की जो आईआईटी है वह मिलकर अपना संस्थान खोलेंगी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बात आई है यूएई की, तो चलिए लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, लोकेशन यूएई के है। यूएई का जो मोटो है गुड नेशन प्रेसिडेंट, ये मोटो है। यहाँ की कैपिटल अबू धाबी है। प्रेसिडेंट खलीफा बिन जयाद अल नहयान है और जो प्राइम मिनिस्टर है वह मोहम्मद बिन राशिद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 36वां स्टेटहुड दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश में किन दो शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों कुंडलपुर और बांदकपुर, इन दोनों को हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह के द्वारा पवित्र शहर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 823 गेमिंग कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे चुना गया है? तो शाहरुख खान को 823 ग्राम जो गेमिंग कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संजीव चड्ढा को हाल ही में आईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। दोस्तों इस बैंक की जो शुरुआत है वह 5 जनवरी 1994 से की गई थी। हेडक्वार्टर
बड़ोदरा में है और एमडीओ सीईओ हाल ही में संदीप चड्ढा को तो बनाया ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारत और किस देश के बीच ईस्टर्न बीच युद्ध अभ्यास किया जाता है, तो भारत और ओमान के बीच यह युद्ध अभ्यास किया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ईस्टर्न बीच युद्ध अभ्यास का यह छठवां संस्करण है जो भारत और ओमान के बीच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलन एक्सरसाइज हाल ही विशाखापट्टनम में आयोजित की गई है, इसमें कितने देशों ने भाग लिया है, तो दोस्तों इसमें 40 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह मिलन एक्सरसाइज भारत और 40 अन्य देशों ने मिलकर विशाखापट्टनम में आयोजित कराई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों इसमें भारत का 43वां स्थान है, 43rd स्थान है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दोस्तों साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन का आयोजन भारत के नागालैंड में किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दोस्तों यह इसका 26वां संस्करण है जिसका आयोजन नागालैंड में किया गया है। बात आई है नागालैंड की लोकेशन, आप देख पा रहे होंगे नागालैंड की है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में की गई थी। राज्यपाल आर एन रवि है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू है, राजधानी कोहिमा है, राज्यसभा की एक और लोकसभा की एक सीट है नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवा यथानम भारतीय टेंपल आर्किटेक्चर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दोस्तों इसका आयोजन हम्पी कर्नाटक में किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, तो दोस्तों डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में ऋषभ पंत को बनाया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, तो दोस्तों यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। ऑप्शन सी ऑपरेशन गंगा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बंबू आईटीआई कहां खोली जाएगी, तो देवास में भारत की पहली बंबू आईटीआई खोली जाएगी, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, देवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो दोस्तों प्रत्येक 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जो हमारे वैज्ञानिक सी वी रमन है उनके जन्म दिवस पर यह है 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। दोस्तों सी वी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है नेशनल साइंस डे के बारे में। दोस्तों बात आई है दादा साहब फाल्के अवार्ड की 2022 की, तो चलिए इनके बारे में हम कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी जो शुरुआत है 1969 में की गई थी। पहला अवार्ड देविका रानी को दिया गया था, कुल 51 अवार्ड दिए गए हैं। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को चुना गया है, इनकी फिल्म तेरासी के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो शेर शाह को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म एक और दौर यानी अनदर राउंड, ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म चुनी गई है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक केन घोष को चुना गया है, इन्होंने टेंपल अटैक नाम की मूवी बनाई है। पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर में अभिमन्यु दसानी को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में रश्मिका मंदाना को चुना गया है पीपल चॉइस बेस्ट एक्टर के लिए। बेस्ट वेब सीरीज कैंडी बनाई गई है। सर्वश्रेष्ठ गायक हैं विशाल मिश्रा और कनिका कपूर। वहीं दोस्तों कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री के लिए आशा पारेख जी को यह अवार्ड दिया गया है। ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 के बारे में। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कोई भी और अनदर क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो ये कुछ फैक्ट हुए दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया था तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इस आईडी पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों जैसे ही ग्रुप डी के एग्जाम आ रहे हैं तो आपके लिए स्टेटक जीके का सबसे बेस्ट पोर्शन देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आएंगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।